बहुत खुश हूँ आज इनके साथ जो हुआ है वो बताऊंगी नहीं, लेकिन जो हुआ है। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो बेबी ये सुबह सुबह अंधेरा 4:45 हो रहा है। कहाँ लेके जा रहे हैं आप मुझे? हम लोग जा रहे हैं अपनी आगामी 3 फिल्मों के लोकेशन को देखने के लिए। हाथी मेरे साथी, नागराज और लाडो 2, इन फिल्मों का लोकेशन देखना है हमें। हम 2 जगह जाने के प्लानिंग में है, फर्स्ट राजस्थान, सेकेंड केरला। तो देखते हैं कि कहाँ लोकेशन हमें पसंद आता है और कहाँ की कहानियाँ हमें पसंद आती हैं। बड़ी यूनिक सी फिल्म है, बड़ी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी में निर्मात्री महोदया साथ में कदम से कदम मिला करके चल रही है। लेट्स सी, मेरे साथी और ये तीनों फिल्में बड़ी यूनिक बनने वाली हैं। सो विशेष लक गाइस कि हम जिस पर्पस से जा रहे हैं वो हो जाए। और सोचिए मुंबई की ट्रैफिक, मतलब सुबह के 4:45 बजे हैं एंड स्टिल देयर इज अ ट्रैफिक। मतलब क्या ही बोला जाए, मुंबई मेरी जान इसके लिए तो कहा जाता है। तो आइए अभी हमारे सफ़र में हमारा साथ दीजिए और देखिए कि क्या क्या होता है। स्टे ट्यून गाइस। तो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट पे ये सब खाना है, लाइक सुबह 5 बजे। वेरी गुड। लाउंज में आके आप यही सब खाते हैं। गुड मॉर्निंग बाबूजी। गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? ऑल गुड। हाउ आर यू? मेरा मूड बहुत खराब है, मेरे से बात मत करो। वो क्या खाती है बेबी? क्या खा रहे हैं आप सुबह सुबह? लाउंज मेरा फेवरेट है। ओके तो अभी हम मिल गए एंड दिस इज व्हाट आई एम हैविंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 minutes later. First time in my life ये खा रहा हूं, फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ एंड आई एम हंग्री। आई एम हंग्री। अच्छी बात है, पेट खाना खा रहा है, अच्छी बात है। इंसान कमाता क्यों है? खाने के लिए। बहुत अच्छी बात है। कभी कभी खाना इज नॉट अ बैड ऑप्शन आई फील। क्या बोलते हैं? कभी भी। अभी बज गए 6 और हमारी फ्लाइट 6:50 की है। 10 मिनट बाद बोर्डिंग शुरू हो जाएगी। तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ी कॉफ़ी वॉफ़ी पी जाए। तो मैं और ऑल ऑफ अ सडन बाबूजी हमें मिल गए। इट वॉजंट प्लान। बाबूजी भी ऐसा कोइंसिडेंस हो रहा है कि वो भी जयपुर जा रहे हैं। तो हम तीनों, वो भी, और मुझे भूख लग गई, चाय की तलब। तो मैंने बोला लेट्स गो, विल हैव टी। तो हम जैसे लाउंज में आए हमें बाबूजी दिखे। तो यस, थोड़ा सा हम भी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो मिलती हूँ आपसे बाद में। बाय। तो फाइनली गाड़ी आ गई है। तो और अब हम निकलने वाले हैं। तो माय बेबी सिटिंग बिहाइंड। काम कर लेते फिर मिलवाते हैं। तो फाइनली हम निकल गए हैं हमारी टीम के साथ। तो हम सब आए हैं जयपुर लोकेशन देखने के लिए। ये क्या हुआ, सुबह का खाना पच गया है इसके लिए एक्सप्रेशन आ रहा है कि क्या है? आज मैं बहुत खुश हूँ। आज इनके साथ जो हुआ है वो बताऊंगी नहीं, लेकिन जो हुआ है उसकी वजह से इतना खुश है कि जनरली आज ना मेरा बस चल रहा तो पूरे न्यूज़पेपर में छपवा देते। ऑनेस्टली आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश है। अच्छा, आर यू ऑल एक्साइटेड गाइज? यस यस। आप जा रहे लोकेशन देखने और वहाँ से आप लोगों से मिलती हूँ। बाय गाइज। A few minutes later. तो ये अचानक से पानी कहाँ से आना शुरू हो गया यहाँ पे? कहते भूत प्रेतों का बना हुआ है। अच्छा, ये जल महल भूत प्रेतों ने बनाया था एक रात में। चारों तरफ अरावली है। पाँच माला, एक बात बताओ, पानी पहले भी था? पानी पहले नहीं था, पानी अचानक आया। शिकार करने जाते थे, कहते लोग नाव चलती है। पानी के अंदर पाँच माला किसने बना दिया? तो उसमें तो भूत अभी भी रहते होंगे, इसमें कोई जाता नहीं, अलाउड। बाहर से ही पिक्चर देखने लायक है यार। वो माँ मुंह पे लगा करके जो अंदर जाते हैं ना, बाबू जाके देखने लायक भूत भूत रहते हैं कि ऐसे। तो मानगढ़ है, मानगढ़ में भूत है। हाँ, रात को कोई नहीं रुकता, मतलब रुकना चाहे तो रुक सकता है, अलाउ नहीं, गवर्नमेंट नहीं अलाउ। तो यही गवर्नमेंट नहीं अलाउ करती तो मैं तो रुक के देखना चाहता हूँ। पानी थोड़ी करोगे सर, करना है क्या? 15 मिनट्स लेटर। तो भूख लगी है, फिर तो क्या है? जब से गाड़ी में बैठे तो कोई कचौरी बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है। अगर मुझे तो भूख नहीं लगी है भाई, मैं तो ये क्या बात हुई, भूख लगी तो खाना तो बनता है। तो अभी कहाँ लेके आए हैं? नहीं कुछ देसी खिलाई है। ये नहीं वो जो आप बता रहे थे ना, वो कचौरी। हाँ, यहाँ फेमस लोगों का फेमस, जैसे वो आप बता रहे थे ना, ये कचौरी है, पता नहीं क्या कचौरी है, वो ऐसा खाएंगे रोड पे। यस, लोकल खाएंगे, मजा है। बैठ के तो कुछ सच्ची सही कहा दादा ने। हम किसी और दिन आएंगे, लोकेशन देखना है, घूम ही लेंगे। Stop doing that। तो बच्चे की तरह सवाल पूछते, जल महल का क्या हुआ क्या हुआ। अरे तो एक बात सुनो, वो 7 माले की बिल्डिंग बनी हुई है जी, और 5 माला नीचे है, पानी के अंदर बना हुआ है, और 2 माला ऊपर बना है सपोर्ट के लिए। तो वो बोल रहे हैं कि क्या नाम है, भूत आकर के रात को बना के गए सब। आज भी कव्वाली होती है शुक्रवार फ्राइडे को, उसमें अंदर नहीं बाहर क्या होती है, कव्वाली। बताओ, ये तो फैक्ट है ना भाई। 5 माला अभी भी डूबा हुआ है, और जमाने से डूबा है। कितने साल से डूबा हुआ है? काफी साल हो, 1700, बहुत पुराना है। 1700 से पानी में डूबा हुआ है। अब बताओ, आज तक गिरा नहीं। गिरा 300 साल से ज्यादा होगा, पानी के अंदर डूबा हुआ है, तो गिर जाना चाहिए। उधर नहीं मिलेगा कुछ, खड़ी करने की दिक्कत होगी ना सर, थोड़ी सी थाने के आसपास मिल जाएगा। चलिए अभी हम फिलहाल जा खा रहे हैं। Later. जलेबी में कौन डालता है कड़ी? जलेबी में नहीं, कचौरी दड़ी है। अभी तो आपने बोला कि कचौरी और कड़ी यहाँ का फेमस है। अच्छा, फॉर अ सेकंड आई थॉट कि कड़ी में जलेबी डाल के कौन खाता है। सीरियसली आपको भूख लगी? मेरे को नहीं लगी, मैं तो फॉर्मेलिटी के लिए खा रहा हूँ। मैं तो आज एयरपोर्ट पे दबा के खाया। ये रिएक्शन आई नो आप लोग नहीं समझ पाएंगे, मुझे पता है, लेकिन अब मैं पक रही हूँ। तो चलिए इसका भी हम रिव्यू देंगे कि कचौरी। हालांकि मेरा मन नहीं है, मैं खाऊंगी। घेवर खाएंगे इस बार, कहीं यहाँ घेवर मिलता है, राजस्थान का घेवर। मुझे बहुत कुछ ट्राई करना है, मैंने नाम सुना है बट मैंने कभी खाया नहीं है। तो यार जयपुर आकर के ये सब खाएंगे, कोशिश करूंगी कि लोकेशन के चक्कर में शॉपिंग भी कर सकूं। पति आपके साथ आई तो पति के साथ हम लोकेशन देखने आए हैं। अभी शैलेंद्र से शॉपिंग करेंगे? नहीं, कोई बात नहीं, घर में जगह नहीं है। अगर कुछ पसंद आ गया तो उन कैसे मना कर सकते? कभी दिल यू नो, कभी दिल अगर कहता है कि ये ले लो तो ऐसे दबाना नहीं चाहिए, ले लेना चाहिए। हाँ, सही बात। सिलेंडर तो बोलो करिए। तो आइए, मैं आपको रिव्यू भी दूंगी कचौरी का, ठीक है? चलिए जो लोग ये वीडियो देख रहा है ना, प्लीज मत देख। अगर देख रहे हो ना तो प्लीज इसको लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है। प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो और सुपर से डुपर बना दो प्लीज।